परम पूज श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया। प्यारे, ये जो राम नाम है जिसका हम नित नियम से जाप करते हैं, आराधन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, यह मंत्र अनगिनत अपनी शक्तियों सहित साधक के भीतर प्रवेश कर जाता है। उस राम के नाम में इतनी शक्ति है तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए हे प्यारे, राम जाप रवि तेज समान। ये जो हम राम नाम का जाप करते हैं, ये रवि सूर्य के प्रकाश सदृश एक ही समय में जिस प्रकार सूर्य कार्य करता है, अंधकार को दूर कर देता है, जीवन देने वाला है, दुर्गुण को दूर करने वाला है, दुर्गंधी को दूर करने वाला है, अनेक रोगों के उपचार में रवि सूर्य का तेज जिस प्रकार कार्य करता है, इसी प्रकार ये राम तेजोमय है, सूर्य सदृश ये प्रकाशमान मानव को मार्ग दिखाता है। राम जाप रवि तेज समान, तेजोमय है ये, उसके समान है ये। महामोह, ये मोह इस संसारिक पदार्थों में, सगे संबंधियों में ये उसका हरण कर लेता है, मोह का हरण। साधक को ये ज्ञान हो जाता है, जो सगे संबंधी हैं, रिश्ते नाते हैं, इनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म भिन्न है, मोहित हो जाना भिन्न है। तो साधक अपने कर्तव्य कर्म को करता है, इनमें मोह ममता नहीं रखता, बल्कि लौ लगाता है श्री राम से, श्री राम कृपा से। उसके जितने भी संबंध हैं सुमधुर बने रहते हैं। महामोहतम हरे अज्ञान, अज्ञान का और तिमर का यह हरण राम नाम का जाप कर लेता है। अब ये अज्ञान नहीं रहता कि राम के अतिरिक्त भी कोई और है जो मेरा सहायक हो सकता है, वह जानता है। अंतकाल में तो केवल राम नाम ही सहायक होना है। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा। जिसके पीछे मानव जीवन भर अपने समय को लगाता है, वही अंत समय में कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आता। कौन आता है? राम नाम तेरा तारनहारा। इस भवसागर से पार पा जाने में केवल राम नाम ही सक्षम है और वे ही सहायक है। इसलिए महाराज ने कहा, राम जाप दे आनंद महान। बाकी इस लोक के जितने भी संबंध हैं ये आद सुख आद दुख देते हैं, ये निश्चित सिद्धांत है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई डर कोई भय की बात नहीं। इस लोक का ये नियम है। आज एक आपकी प्रशंसा करेगा, कल को वही बुराई करेगा, ये नियम है।
जिसको ये ज्ञान हो जाता है, अनुकूलता में उछलता नहीं और प्रतिकूलता में वह भीरू डरपोक नहीं होता और भयभीत नहीं होता। राम जाप रवि तेज समान, राम नाम का जाप करने वाले को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह अंधकार से तो बाहर आ ही जाता है। जब उसकी प्रशंसा हो रही होती है, जब उसका आदर सम्मान हो रहा होता है, तो वह जानता है यह क्षणिक है। क्यों? ये बदलने वाले अंग है, यह स्थाई नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो ये जान गया वह प्रकाश में आ गया, जो भ्रम में रह गया वह अभी अज्ञान के उस अंधकार में ठोकरे खाता है। गीता प्रमाण है, जन्म, बुढ़ापा, रोग, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, ये इनबिल्ट हैं इस संसार में, विद्यमान है, इससे कोई भी नहीं बच पाता। जिसका जन्म है उसका ही मृत्यु निश्चित है। अब जब ये निश्चित सिद्धांत है तो इसके लिए किस बात का भय कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जावे? मृत्यु तो होनी ही है, यही तो सत्य है। जब वह सत्य उसका विधान है तो उसके लिए भयभीत क्यों, डर क्यों? क्या रोकने पे रुक जावेगी? नहीं, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तो उसकी करो अगर कोई अनहोनी हो जावे। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए, ये निश्चित सिद्धांत है। ये राम जाप रवि तेज समान, ये मानव को भीतर से प्रकाशित कर देती है ये राम नाम का जाप। इसलिए जो निसर्गिक सिद्धांत है, जो उसकी विधि है, जो उसका विधान है, उसके लिए क्यों चिंता करना? वह अपना कार्य बिना रोक टोक के करता है, उसके कार्य में कोई बाधा कोई विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकता। वह स्वतंत्र शक्ति है, उसके समान ही कोई नहीं, उससे बड़ा कोई क्या होगा? उस बड़ा जो सर्व शक्तियों का स्वामी है, तू उसकी संगति कर, उसकी शरण को ग्रहण कर, उसकी कृपा के तले बाधा विघ्न विनाश हो, उसके ओट में तू रह, उसकी शरण में तू रह। कौन क्या करता है ये उसके कर्म है, वह जाने। अपने कर्मों का उत्तरदाता वह स्वयं है, मैं नहीं। मैं क्या करता हूं उसका उत्तरदाता मैं हूं। मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, मुझे अपना कर्म नहीं बिगाड़ना। निंदा करना बिगाड़िए मन की मधुर सुचाल, मैं अपने मन की जो मधुर सुचाल नाम में लीन है मेरा मन, मैं उसको क्यों बिगाड़ूं? क्योंकि अंत में चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम हदूर, मैंने अच्छे कर्म कितने किए और बुरे कर्म कितने किए, इसकी विवेचना वह परमात्मा करेगा। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो अपने, जैसे कर्म किए होंगे अपने अपने कर्म,
कै नेड़े कै दूर। नेड़े अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में, बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म धारण करना बहुत ही पुण्यवान दिव्यात्माओं का यह स्थान है। कै दूर, ये तो नजदीक हो गए, दूर कितने हो गए? निंदा बुराई करने वाले कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म कीड़े मकौड़े की जूनी में, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला कौन मेरे जैसा है? हाथी की जूनी में बड़ा है ना, अभिमान है, हाथी की जूनी में चला जाएगा। अब दुर्गुण है मछली की जूनी में, जल में रहते हुए साधारण मानव स्नान करने से उसके तन की गंध समाप्त हो जाती है, मछली अभिमान के कारण दुर्गंधी, पानी में रहते हुए भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। ये सब जूनियां हैं, इसका कारण है, ये कर्मों का सिद्धांत है। कर्म गति टारे नहीं टरे, ये किसी के टालने पर नहीं टलती। इसलिए हे प्यारे, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया। राम भक्त जिसके भीतर ये रवि नाम जाप प्रकाशित होता है, वह विपरीत शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करता। वह जानता है इससे मेरा अगंत बिगड़ जाएगा। वर्तमान में थोड़े से सुख के लिए अपना भविष्य क्यों अंधकार में डाल देना। ये रवि तेजोमय जिसको ये प्रकाशित कर देता है, ये कृपा है उसकी, कृपा प्रसाद है राम की देनी, उसी को प्राप्त होती है जिसको वह देता है। काल व्याल जंजाल हर लेनी, ये काल यूं ही नहीं इसका हरण हो जाता, बार बार जन्म और मृत्यु से यूं ही नहीं मानव छूट जाता, उसकी कृपा चाहिए। उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कर्म चाहिए, तब मानव में वह सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, वह सुगंधि उत्पन्न हो जाती है। लाखों करोड़ों अपना तो वह मानव उद्धार करता ही है, लाखों करोड़ों का उद्धार कर देता है, सन्मार्ग दिखा देता है। ये है हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। लेश मात्र भी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। कोई अपना बुरा कर दे, हे प्रभु तो उस पर कृपा करना, उसका कोई कर्म उसके सम्मुख ना आ जावे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो नियत है। महापुरुष सबका भला मांगते हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सभी अपने परिवारों में सुखी रहे, सब पर कृपा हो, यही याचना करते हैं। इसके अतिरिक्त तो और उनके जीवा पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मन में नहीं होता, बस यही होता है, हे प्रभु तेरी कृपा से ही जो दुर्बुद्धि है वह सुबुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मानव कदापि बुरा नहीं होता, मानव के कर्म बुरे होते हैं, अच्छे अथवा बुरे। अच्छे कर्म करने वाला भक्त संत कहलाता है, बुरे करने वाला दुराचारी अत्याचारी कहलाता है। मानव एक ही है, इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। हे गुरु महाराज, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। आज बुधवार इस समय भीतर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते
परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः श्रीमती